पारंजिता के द्वारा डायरेक्ट की गई थंगलान मूवी अभी चर्चा का विषय बना हुआ है। जिस तरीके से उसमें एक हिट सीन दिया जाता है, जिस तरीके से ब्राह्मण के द्वारा उकसाया जाता है वहाँ के स्थानीय लोगों राजाओं के द्वारा कि बुद्ध मूर्ति को सर्वधर्म से अलग कर दिया जाए, और ऐसा ही होता है। उस ब्राह्मण के कहने के अनुसार जो राजा था वो बुद्ध की गर्दन पे मूर्ति पे तलवार चलाता है और उसका जो सर था बहुत दूर जाकर के गिरता है। तो इस फिल्म में ये एक विशेष तवज्जो दिया गया है आदिवासियों का संघर्षों का, दलितों का जो संघर्ष था, कैसे उसके जीवन थी, इसके बारे में इस फिल्म में थोड़ा सा दर्शाया गया है। और सोने की खदान, जिसमें एक अंग्रेज आते हैं जो सोने की खोज में आते हैं और वहाँ पे सोने का लालच और वहाँ के लोगों को लालच देते हैं, मजदूरी मेहनत मजदूरी, चूंकि वहाँ के जो राजा थे जो दलित समाज के लोग थे उनकी जमीन हड़प लेते हैं और उन्हें ब्राह्मणों को उपहार स्वरूप दे देते। सोच सकते हैं आप उस टाइम के राजा की मानसिकता क्या थे कि दलितों की जमीन को हड़पना और ब्राह्मणों को उपहार स्वरूप दे देना। और ब्राह्मणों का काम क्या था कि जो वहाँ के आदिवासी लोग थे, दलित लोग थे, वो राजा से कर लेते थे या किसी जमींदार से या किसी बड़े व्यापारी से कर लेते थे। तो जब उनकी फसल बोते थे उस कर्ज से, तो जब फसल बन के तैयार होती थी और काटने का जब टाइम आता था तो वहाँ के जो मनुवादी टाइप के जो लोग होते थे उस समय में, चूंकि उन लोगों को मनुवादी ही कहा जा सकता है, तो वो लोग क्या करते थे कि फसलों को नष्ट करने के लिए उसमें आग लगा देते थे ताकि जो पैदावार होगी तो उससे होगा क्या कि वो जो उस कर को यूज किए थे उस खेती में और उसकी जो पैदावार हुई थी उसके बेचते, उस अनाज को काटते बेचते और पैसा होता तो शायद उस महाजन को कर चुकाने में वो मदद मिलती। पर वो लोग जानबूझ करके ऐसा करते हैं कि जो आदिवासी समाज के लोग थे वो और दलित समाज के लोग जो उस खेत में बुआई करते हैं उसमें आग लगाने की ताकि कर न चुका पाए और इसकी जमीन को षड्यंत्र तहत हड़पने का काम करते थे। तो इस फिल्म में मुख्य रूप से ये सीन दिखाया गया है। दूसरे सीन में क्या होता है कि जब अंग्रेज अधिकारी आते हैं तो वहाँ के लोगों को एक सोने की खदान की लालच और बहुत सारे उपहार देते हैं, कपड़े देते हैं और सोने की खदान के लिए राजी करते हैं, किसी तरह लोगों को मनाते हैं। पर जिस तरीके से उसमें एक मयावी लेडीज है आरती, जो बहुत खतरनाक उनका लुक दिखाया गया है, जो मूल रूप से खतरनाक आदिवासी ट्राइब में आती थी और अपने साथियों के साथ पहाड़ों जंगलों घने जंगलों में रहती थी, जहाँ पे हाथी नुमा पहाड़ थे वहाँ पे रहते थे, क्योंकि वहाँ पे सोने की खदान थी और उसकी रक्षा करने के लिए वो आरती रहती थी। और वो जब बुद्ध की गर्दन कटता है तो एक शोर, अजीब टाइप का शोर सुनाई देता है और आरती गुस्से में होती है। पर जिस तरीके से उस सीन में दिखाया जाता है अंग्रेज के द्वारा जब सोने की रक्षा करने के लिए आरती आती है तो उसके जो पेट है, आरती का जो पेट है उसको काट दिया जाता है, चीर दिया जाता है। जब उनसे खून बहता है तो पिछले जन्म में ये दिखाया जाता है, तो खून जब बहता है तो उनसे सोने की परत दिखाई देने लगती है और उसकी रक्षा करने के लिए जो उसमें एक दलित डायरेक्टर की भूमिका निभा रहे हैं थंगलान जिसका नाम होता है, और उसने इतनी बेहतरीन एक्टिंग की है कि सोने की खोज के लिए अंग्रेज का साथ देते हैं। और लास्ट में जब एक समय ऐसा आता है कि जहाँ पे मोर दिखाया जाता है और लोग वहाँ पे खुदाई करने लगते हैं, वहाँ पर सोना नहीं मिलता है तो दूसरे जगह पे दिखाया जाता है जब बुद्ध की मूर्ति कटती है तो दूर जाके राजा को वहाँ पे सोने की ढेर दिखाई देती है, जहाँ पे राजा देखता है कि जो उठा के देखता है तो वो सोने की परत चढ़ी होती थी और मिट्टी होती है। पर जिस तरीके से इस फिल्म में पारंजिता ने मूल रूप से वो बहुजन समाज के लोग और आदिवासी डायरेक्टर हैं और अम्बेडकर राइट डायरेक्टर है, जिस तरीके से उन्होंने इस फिल्म को काफी खूबसूरती के साथ संवारा है और लोगों के सामने रखा है, तो एक मैसेज समाज के लोगों को दिया जा रहा है कि जो बहुजन समाज के मुद्दों पे, बहुजन समाज पे फिल्म को डायरेक्ट करेगा, फिल्म को बनाएगा, उसकी फिल्म चलेगी ही चलेगी। अब जिस तरीके से जातिवाद उनके साथ हो रहा है, अब सोच सकते हैं इतनी खतरनाक और सुपरहिट सीन देने के बाद
जब आपको थिएटर नहीं मिलता है, आपके पैसे लगे हों और थिएटर न मिलता हो, तो ये जातिवाद और मनुवाद को दर्शाता है। इस फिल्म की हिंदी वर्जन आ गई है, पर इसे सिनेमाघरों में बिल्कुल भी लगाने से मना कर रहे हैं। सिनेमाघरों में इसकी जगह नहीं मिल रही। क्यों? क्योंकि इसमें कुछ ऐसे सीन दिखाए गए हैं जो ब्राह्मण समाज की पोल खोलती हुई नजर आ रहे हैं, जहाँ पे मुख्य रूप से बुद्ध की जब मूर्ति काटी जाती है, उसका सर धर्म से अलग किया जाता है, तो वहाँ पे ब्राह्मण के इशारे के बाद ही वो गर्दन काटी जाती है। तो आप सोच सकते हैं उस समय के आदिवासियों की क्या स्थिति रही होगी, किस तरीके से अपने जल जंगल जमीन के लिए लड़ते हैं, और जिस तरीके से अभी वर्तमान सरकार में, नरेंद्र मोदी की सरकार में, आदिवासियों को जिस तरीके से विस्थापन किया जा रहा है, वो लोग जानते हैं कि उनके पहाड़ों के नीचे अयस्क, लोह अयस्क, बहुत सारे अयस्क अभ्रक, बहुत कीमती धातु दबे हुए हैं। अभी भी हाल ही में जिस तरीके से नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हमने इतने आदिवासियों को वहाँ शिफ्ट कर दिया है, तो आप सोच सकते हैं कि जो आदिवासी जंगल में रहते हैं, पहाड़ों पर रहते हैं, उनका घर है, एक समय आया था कि इन लोगों ने उन्हें खदेड़ दिया और जंगलों में रहने के लिए मजबूर किया। ऐसा नहीं कि हमारा देश ग्रामीण सभ्यता या जंगलों में रहने वाले लोगों की सभ्यता है, हमारा देश में ऐसी विकसित सभ्यता है जिसका कोई मिसाल ही नहीं है इस देश दुनिया में। जब लोग कपड़ा पहनना सीख रहे थे, तब भारत में ज्ञान और विज्ञान की जगह थी। जिस तरीके से मोहनजोदड़ो हड़प्पा की सभ्यता में दिखाया जाता है, जिस तरीके से वहाँ पे स्विमिंग पूल थे, कपड़े, जिस तरीके से वहाँ पे रास्ते थे, घर थे, अनाज रखने के लिए स्टोरेज थे, और वहाँ की जो ईंटें थी वो पक्की ईंटें थी, चूड़ियाँ थी, और बहुत सारे ऐसे तमाम जो लोगों को आकर्षित करता है। और जिस तरीके से मोहनजोदड़ो की सभ्यता थी, हड़प्पा की सभ्यता थी, उसमें दिखाया जाता है कि ये शहरीय सभ्यता है। तो ऐसा कहा जा सकता है कि इस देश में शहरीय सभ्यता डेवलप थी, पर जिस तरीके से एक समुदाय, खास समुदाय के आर्य लोग जब आए तो इसको नष्ट करने का काम किया और यहाँ के लोगों को मजबूर करने का काम किया। तो एक झलक इस फिल्म के द्वारा इसमें एक सीन दिखाया जा रहा है और समाज को ये सच्चाई दिखाई जा रही है कि कैसे उन लोगों ने षड्यंत्र करके यहाँ के लोगों को गुलाम बनाने का काम किया और लोगों को जंगल में रहने के लिए आपस में बांट करके लड़ाने का काम किया। तो मैं वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करना चाहता हूँ, बस इतना ही बात रखना चाहता हूँ। और इस फिल्म में बहुत सारी ऐसी सामाजिक घटनाएं जिसको उजागर कर रही है, और जिस तरीके से अभी इस सिनेमा के एकदम से थिएटर नहीं मिल पा रही है, जगह नहीं मिल पा रही है थिएटरों में, तो सोच सकते हैं बहुजन समाज के बहुत सारे लोग हैं जो इस फिल्म को देखना चाहते हैं, पर ऐसी सिनेमा हॉलों में सुविधा भी नहीं मिल पा रही है। सिनेमा घर के लोग पता नहीं क्यों लगाना नहीं चाहते हैं, क्योंकि सिनेमा घरों पे तो SC ST OBC के लोग के पास इतने पैसे हैं ही नहीं कि वो सिनेमा घर अपना बना सके और चला सके। सिनेमा घरों पे तो उन्हीं लोगों का कब्जा है, इसलिए वो लगाना नहीं चाहते हैं। और बहुत सारे कम, करीब 10% 100% में 10% थिएटरों में ये शो लगा है, और जिस तरीके से अपार सफलता के साथ दो लोग दूर दूर से जाते हैं देखने के लिए, तो आप सोच सकते हैं पार रंजिता ने जिस तरीके से एक दलित डायरेक्टर होते हुए ऐसी सुपरहिट सिनेमा दे रहे हैं, जैसे कबाली, काला और थंगलान की सुपरहिट सफलता के बाद ऐसा कहा जा रहा है। हो सकता है आने वाली और समय में एक फिल्म पे काम कर रहे हैं, तिलका मांझी जो आदिवासी नेता है उस पे काम कर रहे हैं, और आने वाले समय में अगर वो सिनेमा आती है तो सिनेमा घर में लगाई जाती है तो वाकई में सुपर डुपर हिट होगी। क्योंकि बहुजन समाज के लोग, आदिवासी समाज के लोग, दलित समाज के लोग कई सालों से शोषित है, वंचित है, और बहुत सारे सिनेमा में, बॉलीवुड सिनेमा में देखा जाता है कि किस तरीके से अगर दलित समाज की बात आती है, बहुजन समाज की, आदिवासी समाज के दिखाने की बात आती है सिनेमा में उनके करेक्टर को, तो सर अभी कबाबी, झूठे और अय्याश टाइप के दिखाए जाते हैं, गुंडे मवाली टाइप के दिखाए जाते हैं। पर पारंगिता ने जिस तरीके से दलितों की जिस तरीके से शोषण हुआ और उसकी क्या मजबूरी है, इसको दिखाने का काम कर रहे हैं। तो आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट जरूर कीजिएगा, और पारंगिता को ढेर सारी शुभकामनाएं जिस तरीके से उनकी मूवी सुपर डुपर हिट हो रही है। तो आगे आने वाले जितने भी मूवी होगी उनका बहुजन समाज के लोगों का काफी ज्यादा इंतजार रहेगा, खास करके तिलका मांझी के रूप में एक आदिवासी नेता, उनके पे, उनके जीवनी पे फिल्म बन रहे, तो ये बहुजन समाज के लोगों को इंतजार रहेगा कि उनकी मूवी जब आती है तो बहुजन समाज के लोग देखने का काम करेंगे। और आपकी क्या प्रतिक्रिया इस मूवी के बारे में जरूर कमेंट कीजिएगा।